कांग्रेस मरेडी है हमारा राम जी भी कोई आपका खेता में गुआर फली बात दिखला अपने मोदी का चुनाव है और बाबा जी जीतला 2-3 लाख वोटा हूँ। मोदी जी ने कोई राह कौन सके तो मोदी जी ने रबाई खातर बोतल थैली रहा सारा एक जगह हो रहा है सिक्कर लोकसभा क्षेत्र में मान तो हमारा राम जी को लाग रहे सुभिनंदन सरस्वती महाराज ने बिल्कुल दिल से चाहूंगा कहीं लाग रहे ओनली बीजेपी कहीं लागे था ना बाबा जी जी 3 लाख प्लस है वैसा बाबा जी कारण को देखे ऊपर देखे मोदी हुकाम मोदी हुकाम देखे मोदी नाम वो जनता वोट देगी राजन जी रे अमराज जी रे ठही बीज भंडार की दुकान खोलता दिख रहा था कांग्रेस तो सही घोटाला बाजी मजा ले रहे हैं पिसा कमाओ है मजा करें ना बोले कॉमरेड के हुए तो जाना ही नहीं आजकल ना अपना फूल पर वोट देसी से मोदी को चुनाव है मोदी ने वोट मिली से कांग्रेस नहीं देता यार कांग्रेस नहीं देशा तो भाई मोदी का हाथ में है देश वो जाने भी को काम जाने। राम राम साथियों मैं शफीक झलको सीकर में तारा बहुत बहुत स्वागत करूँ हूँ। आज अपन लोग आए हैं गांव सावली के अंदर सावली के बस स्टैंड को प्रापा जानबा की कोशिश करूंगा कि चुनाव को काई मुद्दा या रह सके है काई स्थिति लोकसभा क्षेत्र की गांव सावली के अंदर बन सके है कॉमरेड अमरा राम जी के प्रति इस जगह युवाओं की काई सोच है बाबा शुभेंदानंद सरस्वती 10 साल सांसद है बा के प्रति आगे काई थिंकर काई बा के बारे में सोच रहे हैं बा को काई आडा रुझान रह सके ही पूरी चुनावी चर्चा करूंगा। वीडियो लास्ट तक देख जो मजेदार वीडियो होली चुनाव बन चुका और तारीखा को ऐलान भी हो चुका है प्रत्याशी भी अपना सामने है तो बताओ काई लाग रहे हो काई माहौल रह सके सीकर लोकसभा क्षेत्र में सीकर लोकसभा क्षेत्र में मान तो अमरा राम जी को लाग रहे अमरा राम जी ने काई देख रहे थे पसंद कर रहे और बाबा जी 10 सालों सांसद है काई कमी काई कोताही लागी बा बताओ दाई अमरा राम जी किसान का सागर है मैं किसान का बेटा हूँ वो आधी रात में भी हमारा सागर हो जाए चाहे दुख हो चाहे सुख हो कोई भी काम हो तो बाबा जी पिछला 10 सालों सांसद है तो सांसद माई मतलब 10 साल लगातार 2 बार चुनाव जीते हैं और तकरीबन 3-3 लाख वोटा की लीड मारी है तो बाकी जो मतलब अति बड़ी बाने जीत दी सीकर लोकसभा की जनता वह का जो काम है बाबा खरिया उतरिया को नहीं उतरा बाबा जी नहीं बाबा जी तो खरिया उतरिया हाँ कौन कह रहा भाई बाबा जी खरिया को नहीं उतरिया बाबा जी आपकी बात पर आपकी जगह सारा सही है लेकिन मैं अमरा जी को समर्थन दे किसान हम तो मोदी जी इफेक्ट क्यों रेसी के चुनाव के अंदर मोदी जी के बारे में कौन बता सका आप क्यों सिक्कल लोकसभा में युवा कायदे कर वोट कर सी और किन वोट कर सी तो 2 साल वोट करे है बाबा जी तो आपको एक मौको देना चाहिए अमरा राम ने युवा कह देख रही अमरा राम जी के साथ अब्बा को तो है ही साथ तो देना पड़ेगा थाने का लगा भाई जी का नाम आप लोग वीरेंद्र सिंह शेखावत वीरेंद्र जी का मुद्दा चुनाव के अंदर आपका मुद्दा तो अमरा राम जी नहीं देना चाहिए वोट तो क्योंकि चांस सन मिलना चाहिए अब बाबा जी तो 2-3 बार आ गया सन मिलना चाहिए मुको बाबा जी 2-3 बार आ गया तो बाबा जी जो काम जो कार्यशैली है बिक प्रति का कहना चाहोगे काम तो करा हुई है पर दूसरों भी चेंज हुई है बेरो पड़ेगो ना तो युवा के लिए एक आ चीज है कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं के लिए आपके रैलिया के अंदर भी आप बात बोलिया कर रहा है कि राम मंदिर को मुद्दों बड्डो कर रखे हो तो राम मंदिर को मुद्दों युवाओं के लिए इफेक्ट है या कोनी है इफेक्ट वो तो है ही राम मंदिर भी है ही तो राम मंदिर ने देख कर युवा वोट करेंगे करेगा वोट तो करेगा राम मंदिर देख कर वोट बिल्कुल करेगा वोट करेगा तो बताओ काय लाग रहे हो आपका की को चुनाव मंडो को देखो हाल तो मान भी नहीं कुन को चुनाव चादरी शुभेंदानंद सरस्वती जी 2 बार का सांसद सामना अमरा राम जी शुभेंदानंद जी सरस्वती महाराज को आपने निवेदन है कि मैं शुभेंदानंद सरस्वती महाराज ने बिल्कुल दिल से चाहूँगा और हर कार्य में जाऊँगा भी और बने वोट देबा की तैयारी बिजू यादव जी चुनाव मन चुका 19 तारीख ने वोट पड़ेगा 2 धुरंधर प्रत्याशी अपने सामने ही काय लाग रहे हो ओनली बीजेपी काय देख रहे ओनली बीजेपी तो मोदी जी ने रबाई खातर बोतल थैली रहा सारा एक जगह हो रहा है मतलब तोड़ को नहीं मोदी जी को कहीं सवाल ही बना दूर दूर तक होने काय लागे था ना बाबा जी जी 3 लाख प्लस है तो बाबा जी को काम कहीं बोल रहे हो सिकर के अंदर कहीं रिपोर्ट कार्ड बाबा जी घड़े काम मुझे मेडिकल कॉलेज बनवा दी सैनिक स्कूल खुलवा दी स्टेडियम आउटडोर बनवा दियो अति सड़क बनवा दी अति ट्रेन चलवा दी अब कोई घर जा थोड़ी काम कर बाबा जी तान कहीं लगे भाई जी वैसा बाबा जी जीता नाम कहीं अपनो संदीप सिंह राठौड़ है संदीप जी बाबा जी जीतेंगे लेकिन कारण कहीं है बाबा जी को कौन सो काम ने देकर सीकर की जनता बाने 3री बार पसंद कर ली वैसा बाबा जी कारण को देखे ऊपर देखे मोदी हुकाम मोदी हुकाम देखे मोदी नाम वो जनता वोट देगी और बाबा जी 100% जीता गई इम कोई दो राय को नहीं है तो मोदी जी की कार्यशैली से युवा प्रभावित तो है कारण कहीं है मोदी जी कौन सो काम युवा ने ज्यादा प्रभावित कर रहे हो थाने कहीं प्रभावित करे मोदी जी कौन सी कार्यशैली मोदी जी के सारा ही काम ये है कि जो युवा ने प्रभावित करे इसको एक ही काम कौन सी को प्रभावित कौन करियो सारा ही काम है जो मोदी ने देखे लोग युवा वोट देगा
विपक्ष आपके एक इलेक्टोरल बोर्ड नाम की एक नई बात चीज ले रहा है, अभी का मुद्दा उठा रहा है कि बीजेपी 6,000 करोड़ रुपया चंदा ले ली, आयल आयल की कंपनियां चंदा ले ली, जाने पहला तो भाई ईडी भेजी, बाद में फिर बाद में बाकी चंदो ले लियो, वो कहीं लागे कहीं सीन हो इम की सीन को नहीं है साहब, वो एक झूठो जुमलो है, इम कोई मैटर को नहीं है, जनता एक बात समझ चुकी है, मोदी ने वोट देगी और मोदी 100% होगा, इम कोई दोराई को नहीं है। चुनाव मंडल है अमरा राम जी, बाबा शुभेंदानंद सरस्वती जी, एक तारजन दाइल जी को भी नाम आयो हो, अब कहा स्थिति बहुत स्पष्ट है को नहीं, एक बसपा पार्टियों भी एक कैंडिडेट नामांकन भर दियो है, दो कैंडिडेट और है जो बाबा जी शहर का वेशभूषा पहनर भगवा रंग की सापो बांध और भगवा रंग का चोला पहनर आपकी फोटो चुनाव मतलब भी का अंदर जमा कराई है, फोटो बाकी बहन की आ रही है, तो कहीं लागे कहीं स्थिति रह सके, स्थिति तो बेरो को यार थाना तारो मन की बताओ तारो मन की बराबर है की टक्कर बराबर से लाग रही टक्कर ने बाबा जी शुभेंदानंद जी 3-4 लाख वोटों में जीतला, अरे तारा सिंह जी रे अमरा जी रे ठई बीज भंडार की दुकान खोलता दिखला जाने अमरा राम जी भी कोई आपका खेता में ग्वार फली बात दिखला, अरे आपने मोदी का चुनाव है, अरे बाबा जी जीतला 2-3 लाख वोटा हूँ, तो अमरा राम जी क्या है कि मैं किसानों की लड़ाई लड़ी हूँ, किसान किसान पहले आया खत्म हुआ डोगरा पे देता अमरा राम जी ने कहा पर मैं गया दो दिखानी इठी नहीं आपने पलसाना का नहीं, तो बोलिया चुनाव कौन खड़े हो रहे ना, बोलिया आपके तो अमरा राम जी हो रहा कॉमरेड हाथ को निशान हाथ को नहीं आपका मशीन में ना, बोले कॉमरेड क्या हुआ है जाना ही को नहीं आजकल ना, आप फूल पर वोट देसी से मोदी को चुनाव है मोदी ने वोट मिली से कई नाम आप थोड़ा सामना आ जाओ बता जाओ भाई जी, मेरा नाम ऋतिक जांगीर है। हाँ कहीं लाग रहे हो भाई जी, बस मान सिंह जगह बात की जगह मान लाग रही है, मोदी जी ने कोई राह कौन सके, मोदी जी अच्छी ताराचंद दहल भी जीत तो लेकिन भी किसा के धोखो को धोखो कौन कर दियो घाटी करियो और कौन करो गांव का घाटी को नहीं आया 40,000 वोट आया था बेरी है बेरी से लीड आई भी गए 71-67 वोट आया, तो ताराचंद जी 40,000 वोट ले गया, तो अमरा राम जी के बारे में कहीं कहना चाहोगे, अमरा राम जी तो बस मजा लियो दांत लियो काटो और मजा करो, एक दो कमाल लाइट बिल फ्री करें बाद में थोड़ी भाई है एक दो क्षेत्र में कर बस होएगी, तो जनता आप बात बोल रही है कि कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट को नहीं और बीजेपी भी आप बात कर रही है कि कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट तो हो को नहीं, कांग्रेस तो सही घोटाला बाजी मजा ले रहे हैं पैसा कमाओ मजा करें, अरे बीजेपी कर रही है बाबा ने खड़ा बाबा कौन सो परिवार है कौन सा पोता के लिए रोटी बना सी कौन समझा, तो लोग आप बात भी बोल रहे हैं बोले जी का परिवार नहीं, वो परिवार को तू क्या समझ सके, हर चीज समझ सके क्यों कौन समझे, हर परिवार हम ही घूमे वह गरीब से वहां का परिवार ही। चुनाव 19 तारीख का सिक्कल लोकसभा क्षेत्र का, बाबा जी दो बार का सांसद है, सामने आपके बार कॉमरेड अमरा राम है, कहे लाग रहे हो, अब मैं तो सिक्कर का आए हुए जमान का लाग का कौन सो गाँव माओ गाँव धनकोली बीजा भी तो वोट पड़ी है तो बीजा कहे लाग रहे हो, बीजा का तो बेनी वाल को लाग रही है नागौर सु मतलब है। तो ज्योति मिर्दा भी चुनाव लड़ रही पाकिस्तान गठबंधन कर लियो जब बेनी वाल को लाग रही है, थारो कौन सो काम है, मारो है नागौर है भाई जी, आपनो दुजोत है सिक्कर का, सिक्कर का काई लाग रही है स्थिति, अमरा राम की लाग रही है, तो अमरा राम जी की स्थिति काई देकर लाग रही है, किसानों के प्रति जो बाको काम है अभी के प्रति है और काई कारण है, माँ की तो कांग्रेस के प्रति है, कांग्रेस नहीं देता यार कांग्रेस नहीं देशा, तो आप चीज भाई है कि खुंटा का बंदा पड़ा भी खुंटा का ही बंदा रहवांगा, नहीं नहीं खुंटा का तो दो बार मोदी जी के भी बंदे आप पर मिलो कहीं वही मिलो, मोदी जी का कार्यकाल सु थे खुश को नहीं, ना ना मैं तो देरी खुश को नहीं पाया, तो कहीं मुद्दो होता सामा मोदी जी कौन सो काली आयल को जी उन देख कर तान लगे कि वो नहीं होना चाहिए, जो माँ का कानी तो सोई है जो नहीं होना चाहिए, जब कांग्रेस का मायने जी अभी नौकरी से क्यों मिले बीजेपी भी कमाए ना मान तो ना तो नौकरी मिल ली, तो क्या की तैयारी कर रहे हो, मैं तो नेट UGC की तैयारी कर रही हूँ ना आर्मी की भी करी ना आर्मी की करी ना अभी कमाई ने होगो मारो काम एक बार तैयारी कर सब कुछ कर और बीच में भर्ती हुई कैंसिल ना जत्ता भी दौड़ा सब कुछ पानी कमाई ने गया, अग्निवीर का पीड़ित हो दे मैं तो अग्निवीर का कहीं मैं तो साका ही पीड़ित था, तो आपका कहीं लगे मोदी जी की स्थिति कहीं रह सके, मोदी जी स्थिति तो यही है कि जटिन देखा जटे बात कर बटे तो बात मोदी जी की कराए पर मैं तो कांग्रेस ने दिशा ना, राम मंदिर को मुद्दों राम मंदिर को तो मुद्दों ये है कि राम का नाम ले भी ले यार मारा बाप दादा भी लेता है सब पर भैया कौन कर कि राम का नाम पर राम का नाम पर देश में तो यहाँ उरे जी अगर मैं किसान हूँ किसान की खातर मैं अगर आवाज़ उठाऊँ तो मन यह मानना कि तू तो खालिस्तानी है यार अगर मैं राम जय श्री राम न बोलूँ ना मन कर तू तो मतलब हिंदुस्तानी है नहीं पाकिस्तान में चलो जा नहीं मतलब मैं जाऊँ खटे अगर मैं आदिवासी हूँ मैं भी अगर मेरे हक मांगूँ है ना मन कह तू तो आदिवासी को नहीं तू तो नक्सली है तो फिर मैं हूँ का ही मतलब
एक कहावत चल रही, गड में रहनो तो ठाकर ने राम राम कहनो, तो अटेबाई हुई है कि मतलब अगर थान रहनो है तो मन राम राम कहनो पड़सी। तो भारतीय जनता पार्टी आपका चुनाव के अंदर खुला राष्ट्रवाद को मुद्दों उठाया करे और थे कह रहे हो कि मुद्दा तो बोला उठाया ना, मुद्दा तो मोदी जी आया जना ही क्यों मैं तन सच तो कर श्याम, मैं तन अच्छा दिन लिया सा था का बे लिया सा था ए लिया सा मारा तो न तो कोई काऊ अच्छा दिन आया। नोटबंदी करी, नोटबंदी की कि मैं 12 को दिन माए न लशा था ने एक लाख दिशा था, 15,000 दिशा मान ना तो कोई 15 रुपया मिला न कोई, और गांव के माए ने सुबह 4 बजे लाइन में लागता और शाम की 5 बजे मान के तो भाई केस खत्म हो। गांव का जो बड़ा बड़ा आदमी है बाका छोरा एक बार लाइन में लागे तो देखे क्योंकि बापू अपने आप कर ले सी और मान तो ऊपर मिल जैसी पिस्सा। मतलब भ्रष्टाचार है इस सरकार में भी आगे बिल्कुल है, वो तो सामने दिख रहे जगह न दिखे अब तो अब आंधा ऊर खे जगह कहीं हुआ तो आना आ कौन मानोगे थे कि जो लोग आना हो रखे हाँ तारक तारकेण के मुताबिक तो बाकी आँख खोलवा के लिए कोई नयो ने तो चाहिए जाए तो मोदी जी को विकल्प कहीं है। मोदी जी को भी कब तो मन का ही बेरो का ही है लेकिन यहाँ को नहीं कि मतलब कि हर काम ही बुरा हो रहा है या हर काम ही अच्छा हो रहा है, कई काम अच्छा भी हो रहा है कई काम बुरा भी है। जी हाँ, एक आंध्र प्रदेश में एक कंपनी है पहली कहीं आपने जितना भी हथियार है सेना का जगह 1200 आपने इम्पोर्ट उठा लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग सीधी की सीधी घटे हो रही है इंडिया के माइन हो रही है और सासू बढ़िया काम है। पहली आपने एक संविधान में कि राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब थे कोई भी जानकारी देख सको कोई भी थे कुछ बोल सको, अब बड़ा टाइम में यहाँ का रूल आ रहा है यहाँ का रूल लोग बोल रहे कि थे ना मतलब कि सरकार के खिलाफ न तो ट्विटर पर बोल सको न कटे भी बोल सको, अगर थे बोलो ला तो थे जाओ ला, अगर थे पीस आड़ा हो तो थे तन पीसा ने मतलब बीजेपी ने देना पड़ सी, अगर न देशो तो ताके घर ईडी ऐसी थे खुद बता दो कि कौन सो यानी बीजेपी को कोई भी नेता अभी क्या करना आ बड़ा 10 साल का माइन ईडी आई है तो खुद बताओ कौन सा करना ईडी की रेड पड़ी है। अरे थे आम आदमी ले लियो कांग्रेस देख लियो या और कोई पार्टी देखो बाकी आए दिन तो विपक्ष ने खत्म करवा के जो आरोप विपक्ष लगा रहे बांध ने सही मानोगे विपक्ष ने खत्म करो जा रहे हो तो बात तो थे खुद केस को ना बात मैं भी कह रही हूँ शांत दिख रही है बातों की विपक्ष ने खत्म करो जा रहे विपक्ष ने खत्म करो जा रहे। अब यहाँ तो हाथ को नहीं घोटाला हुआ जगह अभी अपोजिशन के मायने घोटाला हो रहा है भाई बीजेपी में भी घोटाला हुआ कांग्रेस में भी घोटाला हुआ सब मायने घोटाला हुआ लेकिन मान तो भाई दिखाया जा रहा है ना कि सामने पार्टी है घोटाला करो जानकी की तरफ है माँ को तो देखो शायद कांग्रेस के बोला है तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन अमरा राम जी आया टिकट ले हाँ तो वोट दे दे और बाबा जी बाबा जी ने तो दियो ने दिया बाबा जी काम कौन करवाओगे अब काम करायो या नहीं करायो लेकिन अगला जीत है अगला की जीत की यहाँ वोट दे जना जीत ना ना मत ये जाई मतलब ऑटोमेटिक ही जाई किया कि मैं तो दोस्त गया ना दोस्त गए माँ बीजेपी को बहुमत को नहीं दो बार सीट आएगी दो में दो आएगी यहाँ दो बार आएगी और कोई बहुमत नहीं है तो अरे वोटिया सिर्फ बीजेपी तो नहीं ऐसा हुए तो ये वोटिया किया गया फिर अब मान गए फिर तो क्या उसी गया गवर्नमेंट जाने भाई मोदी का हाथ में है देश वो जाने भी को काम जाने तो वोटिया दे होते हैं जो अपने मत दो क्यों मैं लोगों ने वोट आई हाँ जीत सी मोदी मतलब वोट दो या मत दो और कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक करके पेमा राम जी ने हाँ बस आपका कांग्रेस और पेमा राम जी की पार्टी दोनों एक हो गया एक कोनी तो चिन्ह तो एक ही है चिन्ह एक है लेकिन कोनी तो कह मायन मायन डूगा कांग्रेस कांग्रेस मान को नहीं बेरो कौन कांग्रेस है कौन बीजेपी है कौन वोट दे है कौन के करे है आ रामलीला सही रला मिलाए ते तो खाली किसाना का नेता है पीछो हाँ मैं तो मतलब कांग्रेस के पीछे हाँ आवाज है लेकिन कांग्रेस को नहीं थे शिक्र में कांग्रेस मरेडी है तो आपका तो जाना ही तो कॉमरेड अमरा राम जी ने टिकट देर भेजा ही तो मैं जीवता हूँ यहाँ हुआ तो जीवता तो थे ही करूँगा मैं तो की काम आपका करा वोटा ही कोई वेलू को नहीं वोट जो बुलाए मत जो खटे जहाँ ही के हुए माँ कह गाँव कह माँ गाँव बहुत सोनू है मारो भी कह माँ जोगी तो उम्र का उम्र देता है यही बीजेपी ने और ऐसी देरी है कांग्रेस ने जो ऐसी में काम बूथ में तो निकले ही 60 वोट बत्ता मतलब बीजेपी के और जो कि हम निकले 20 वोट कांग्रेस के समझ में नहीं को समझ में तो सावली के अंदर आप चुनावी चर्चा करिए इस जगह बस स्टैंड को पर काफी युवाओं बात करिए बाका मन और मानस टटोलवा की कोशिश करिए कि कहीं स्थिति रह सके है तो इस प्रकार चुनावी चर्चा आगे भी करता रहेगा चुनाव लोकसभा चुनाव जाना तक चाल छी जाने तक आप चुनावी चर्चा चालू रखेंगा चैनल से बने रहे जो चैनल सब्सक्राइब कर जो और आगे का वीडियो भी इस थारू प्यार देता रहे जो।